एक बहुत बड़ी और दुखद खबर दिखा रहे हैं जो हरियाणा प्रदेश के सोनीपत से प्रकाश में आ रही, जहां एक मस्जिद में 15 बदमाश घुस जाते हैं, यानी पूरी गैंग होती है जो लाठी डंडे और हथियारों से लैस होती है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं हूं अरशद बिसरू और आप देख रहे हैं मैं बात आज तक। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बहुत बड़ी और दुखद खबर दिखा रहे हैं जो हरियाणा प्रदेश के सोनीपत से प्रकाश में आ रही, जहां एक मस्जिद में 15 बदमाश घुस जाते हैं, यानी पूरी गैंग होती है जो लाठी डंडे और हथियारों से लैस होती है। उस वक्त नमाजियों के ऊपर हमला कर दिया जाता है घातक तरीके से, जब नमाजी मस्जिद के अंदर नियत बांध करके नमाज अदा कर रहे थे, उन कायर बदमाशों की गैंग ने पीठ पीछे से वार किया नमाजियों पर और कई दर्जन नमाजियों को जख्मी और लहूलुहान कर दिया है। वो जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं। इस वक्त उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका ट्रीटमेंट जारी है। मौके पर भारी पुलिस बल पहुंच चुका है। स्क्रीन पर जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये हरियाणा पुलिस के जवान हैं जो इस वक्त वहां पुलिस मौजूद है। सोनीपत पुलिस तथा हरियाणा सरकार से हमारी अपील है, कृपया हमारे मुस्लिम बहन भाइयों की सोनीपत के अंदर सुरक्षा की जाए। सोनीपत के अंदर जो हमारे मुस्लिम बहन भाई हैं, जो उनके बीवी बच्चे हैं, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने आप को, डरे हुए हैं, आपके साए में जी रहे हैं, ऐसे में सोनीपत पुलिस और हरियाणा सरकार से हमारी अपील है, जितना जल्द हो सके मुस्लिम पीड़ित परिवारों को इंसाफ दिया जाए, इनके कातिलों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजा जाए। आखिर ये क्या हो रहा है कि जो नमाजियों पर हमले हो रहे हैं, आपने अभी देखा कि फिलिस्तीन की अल अक्सा मस्जिद में इजरायली आतंकवादियों ने ताबड़तोड़ हमला किया, वो भी उस वक्त हमला किया गया जब नमाजी नमाज अदा कर रहे थे। हरियाणा प्रदेश के सोनीपत के अंदर एक मस्जिद के अंदर भी इस तरीके से हमला किया गया है, शैम जैसे फिलिस्तीन की अल अक्सा मस्जिद में हुआ था। यहाँ पर नमाजियों के ऊपर उस वक्त गोली बरसाई गई जब वो नमाज अदा कर रहे थे, कई दर्जन नमाजियों को जख्मी और लहूलुहान कर दिया। ये बुरी खबर है मुसलमानों के लिए। मुसलमान भाइयों से मैं अपील करना चाहता हूँ, कृपया इस वीडियो को इतना शेयर करो कि ये देश के गृह मंत्री प्रधानमंत्री तक पहुंच जाए और उनको पता लगे आखिर हमारे देश के अंदर भी ये क्या हो रहा है, जहां देखे मुसलमानों का नरसंहार हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी दुखद खबर है कि एक लोकतंत्र देश के अंदर एक विशेष समुदाय को, एक गरीब तबके को, एक कमजोर तबके को लगातार दबाया जा रहा है, दहशत में जी रहे हैं। सोनीपत के जो हमारे मुस्लिम बहन भाई, वो बहुत कम तादाद में है और वो दहशत और खौफ के साए में जी रहे हैं। ऐसे बदमाशों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजा जाए और पीड़ित मुसलमानों को न्याय दिया जाए। दोस्तों फिलहाल इस अंक में इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे ऐसे ताजा अपडेट, तब तक आप बने रहेगा सिर्फ और सिर्फ मेरी बात आज तक के साथ। प्यारे दर्शकों, हरियाणा, राजस्थान और मेवात में धूम मची है आरएस ड्रिंक्स की। आरएस ड्रिंक्स जूस, आरएस ड्रिंक्स कोल्ड ड्रिंक्स, बेहतरीन उच्च कोटि का इसका रिजल्ट आ रहा है। भीषण गर्मी में इंसान एक बार पीने से हो जाता है कूल। आपके नजदीकी शहर टपुकड़ा में आरएस ड्रिंक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मौजूद है। यहाँ मिलता है आपको उच्च कोटि का बेहतरीन जूस और कोल्ड ड्रिंक्स। छोटे दुकानदार हो या थोक विक्रेता, संपर्क कीजिएगा। धन्यवाद। नंबर डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन पर दे दिए गए, याद रखिएगा आरएस ड्रिंक्स। दोस्तों सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन।